हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का जीवन उनके फैंस के लिए एक खुली किताब की तरह रहा है। राजेश खन्ना के बारे में ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में काका अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया और बेटियों के साथ नहीं रहते थे, मगर शायद कम ही लोगों को ये पता होगा कि जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव में वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी एक दोस्त अनीता अडवाणी रहा करती। जी हाँ, राजेश खन्ना उनके साथ लिव इन में रहते थे। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे राजेश खन्ना के जिंदगी से जुड़े इस अलग पहलू के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना और अनीता साल 2006 में सुपरस्टार के निधन तक काका के बंगले आशीर्वाद में रह रहे थे। इस दौरान अनीता ने काका के परिवार को लेकर कई दावे किए और उन पर आरोप भी लगाए। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अनीता ने कहा था कि राजेश खन्ना से उनका परिवार कोई मतलब नहीं रखता, राजेश खन्ना खुद में ही रहना पसंद करते। जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तब भी अनीता ही उनके साथ थी। अनीता ने काका की संपत्ति में भी अपना हक मांगा। उन्होंने एक पत्नी का हक पाने के लिए खूब हंगामा भी किया था, यहाँ तक कि वो खुद को राजेश खन्ना की सरोगेट पत्नी कहने लगी। उनका दावा था कि वो राजेश खन्ना के लिए करवा चौथ का व्रत किया करती थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि उन्हें राजेश खन्ना की पत्नी होने का हक दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनीता ने डिंपल कपाड़िया और ट्विंकल खन्ना पर हिंसा का आरोप भी लगाया, हालांकि उनकी दलील कहीं नहीं सुनी गई। आपको बता दें कि अनीता इंटरव्यू में भी राजेश खन्ना के अपने परिवार के संबंधों को लेकर बात कर चुकी हैं। उनका कहना था कि काका का अक्षय कुमार से या फिर अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं। जब साल 2011 में अनीता ने राजेश खन्ना के घर पूजा रखवाई थी तब ट्विंकल खन्ना और अक्षय जरूर वहां आए थे और इसके बाद उनका आना जाना शुरू हुआ। तो काका के जीवन के इस अनछुए पहलू को अगर आपने पहले भी कहीं सुना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर।